नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के सिर्फ डिटेल्स नहीं, उसके साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप सीख कर एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ। एक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए। दूसरी बात, इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इस वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पज़ में लीजिए। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके खुद का ओपिनियन भी होना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस भी होना चाहिए। तो चलो अभी देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, उसके ऊपर जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला, मतलब जिस तरीके से कंटिन्यूसली सेल अप देखने को मिला था, वह अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन करके दिया था, उसी लेवल्स के अंदर टच करने के बाद फिर से वो वापस जा रहा है। तो देखिए, कभी कभी कुछ इस तरीके से ट्रेंड्स को आपको फॉलोअप करना होगा। जो ट्रेंड एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी कहेंगे सर इसका क्या चांसेस है। देखिए, जियो के ऊपर पिछले दिनों में एक अपडेट में आपके साथ शेयर किया था। वो अपडेट क्या था? वो अपडेट था कि फ्रॉम NBFC टू CIC, मतलब NBFC से अभी क्या बनने वाला है, CIC। अभी CIC का फुल फॉर्म क्या है, मैं पिछले दिन में आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अभी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होते हैं, मान के चलिए आज आप बाइक के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो बाइक के जो इंश्योरेंस है वो दो तरीके से होते हैं, फर्स्ट पार्टी के माध्यम से, नहीं तो थर्ड पार्टी के माध्यम से। तो फर्स्ट पार्टी नहीं तो थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्टी मतलब कंपनी डायरेक्टली आपको इंश्योरेंस करा देंगे, और थर्ड पार्टी मतलब कोई भी आप अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो CIC का मतलब है, रिलायंस क्या चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी का लाइसेंस लेना, और वो भी RBI के पास से, और उससे वो अलग लेवल मतलब जो थर्ड पार्टी का जो एक्सेस है वो उसके हाथ में लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक कंपनी के लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि कंपनी फर्स्ट पार्टी के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। तो यही कारण के वजह से मुझे लगता है रिलायंस के ऊपर कुछ दिनों से एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अभी कितना मोमेंटम हुआ आप खुद ही देखकर देख सकते हैं कि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा कंपनी के ऊपर क्या बना था, एक कप हुई धरने पैटर्न बना। मगर इस पैटर्न को फेल में क्यों कहूँगा, क्योंकि इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुके हैं और नीचे भी आ चुके हैं। अभी देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा था, सेल अप हो रहा था, और एक रेंज था लोअर साइड का, तो इस सपोर्ट को टच किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वापस जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर यहाँ पे टच करने के बाद वापस क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है, देखिए जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से डाउन होने के बाद फिर से तेजी से भाग कर टारगेट दे, तो वही लेवल एक स्ट्रांगली एक रेंज बन जाते हैं। तो इस रेंज के अंदर कोई भी अगर ट्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो यहाँ से एंट्री बनकर फिर से यहाँ तक टारगेट बन सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो एक आम मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी टारगेट होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले ही एंट्री ले चुका हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से एंट्री बना है मुझे लगता है यहाँ पे जो हायर लेवल है, यहाँ पे जो लेवल्स है अराउंड 230 रुपीज़ के आसपास, इस रेंज के अगर ऊपर ब्रेकआउट करे तो इजीली वो टारगेट को यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। अभी देखना है कि इसको ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इतने सारे बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आपको इस बार स्ट्रांग दिखेगा। 414 करोड़ से 600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 668 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अजय इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपको देखने को मिला है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में कोई नहीं दिखेगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी का भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। और बिजनेस स्टार्ट ना होने के कारण कंपनी का जो PE है अभी भी 5700 के आसपास देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज़न में है,
कि सर इतना हाई पी रेशियो के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। देखिए, जब कंपनी के बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे, जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब पी रेशियो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए, जुबलियन फुटवर्क के ऊपर भी मेरे एंट्री लेवल्स है, वो कहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले देखिए, मार्केट कैप कितना है, 35,000 करोड़ के आसपास। अभी इस कंपनी के ऊपर पी रेशियो बहुत हाई है, मगर इस हाई पी रेशियो के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया, क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो की सेम टू सेम है। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से एक कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो एवरेज पी रेशियो कितना है, चलो एक बार मैं पी रेशियो के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, एवरेज पी रेशियो कितना है, 85, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 150 के आसपास। इसका मतलब कंपनी के जो एवरेज पी रेशियो है उससे कंपनी के खुद का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बोल सकते हैं। फिर भी एक सिचुएशन वाइज अगर देखें तो कंपनी जिस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो रेंज बना था, यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था कंपनी का पी रेशियो का, उसी लेवल को टच करके यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। इसका मतलब इस हायर लेवल तक जाने का चांसेस है, पी रेशियो हायर लेवल तक जाने का चांसेस का मतलब है कि कंपनी जब जब इस तरीके से पी रेशियो क्रिएट करे और कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो कंपनी फिर से रिवर्सल करके उस लेवल तक जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन लोग जब इस तरीके से कंपनी के ऊपर बाई करते हैं तो वो पी रेशियो नहीं देखता कि 1 रुपये कमाने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो वो डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल देख कर ही काम कर लेते हैं। तो मुझे फाइनेंशियली कंपनी का ग्रोथ अच्छा लगा, क्योंकि 1,300 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं, 1,370 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और थोड़ा सा एक्सपेंस इस बार ज़्यादा हुआ जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। अभी कहने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजिंग आया, ये बात तो सही है, मगर इस बात को आपको एक एक चीज़ से सीखना पड़ेगा कि कंपनी का जो मतलब एज ए इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्रोमोटर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो प्रोमोटर के पास 49.94% के आसपास होल्डिंग है, जो DS के पास, सॉरी FS के पास 26%, DS के पास 22%, और पब्लिक के पास 9.36%। इसका मतलब है हर किसी व्यक्ति ने होल्डिंग करके रखा, जो पब्लिक ने छोटे मोटे क्वांटिटी बेच दिया उसका फायदा किसको मिला, डायरेक्टली FS को मिला। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स को देखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा देखता रहता हूँ वो है कंपनी का रिजर्व किस तरीके से बढ़ा। देखिए, कंपनी के रिजर्व जितना बढ़ा उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तभी कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा क्यों लिया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी बहुत ज़्यादा आउटलेट ओपन करने वाले हैं, और ज़्यादा आउटलेट ओपन करने के कारण कंपनी के हाथ में तो उतना कैश नहीं है तो जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा ले लिया। तभी कहेंगे सर कर्जा जो लिया गया तो कंपनी को कि क्या बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला, बिल्कुल नहीं, कंपनी का खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को नहीं मिला, उतना ज़्यादा काम नहीं मिला। कंपनी आउटलेट बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी के स्टोर्स बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, कर्जा लिया, और वो भी कर्जा आप देखेंगे ध्यान से देखना, वो है लीज लाइबिलिटी। अभी लीज लाइबिलिटी क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि मान के चलिए आप कोई दुकान घर भाड़े पर लेना चाहते हैं तो उसको भाड़े पे लेने के लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है, उसी तरीके से कंपनी अगर कोई भी जगह भाड़े पे लेता है उसको लीज के हिसाब से लेना पड़ता है। मतलब मान के चलिए 10 साल तक मैंने लीज लूंगा तो 10 साल के लिए जितना पैसा देना पड़ेगा उसी को कहा जाता है लीज लाइबिलिटी। तो उस हिसाब से कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा, 2,600 सॉरी 2,400 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि लीज लाइबिलिटी। और ये भी एक लाइबिलिटी के हिसाब से ही देखा जाता है, क्योंकि पैसा आपको देना है तो एक लाइबिलिटी है। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिलेगा। पहले बहुत शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा था, अभी धीरे धीरे करके कम हो चुके हैं। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्म भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो और एक लॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कंफर्म करे तो एंटी मत लेना, उसके लिए आपको कभी ना कभी रिट्रेसमेंट दिखेगा, उसी जगह पे एंटी आपको मिलेगा।
तो उस लेवल में आप एंट्री लेंगे तो आपको सस्ते प्राइस में मिलेगा। देखिए हमेशा मार्केट में क्या होता है ना, आपको डिस्काउंट प्राइस में खरीदारी करना होता है। अगर डिस्काउंट प्राइस में आप खरीदारी कर पाए तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेड बन सकता है। तो देखिए अभी धीरे धीरे करके नीचे आने के बाद वो धीरे धीरे करके अप टेन में जा रहा है। अगर मेरा टारगेट बनेगा इस 920 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल तक अगर टारगेट बनेगा तो मुझे 20% का टारगेट मिलेगा। अगर 20% मुझे 6 मंथ में भी मिले तो भी मेरे लिए बहुत है। तो देखा जाएगा कब मिलेगा, जब मिलेगा मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर भी करूंगा। और ये सारी चीज़ मैं इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि जब इस तरीके से ट्रेड बनता है तो आपको उस ट्रेड को किस तरीके से इनिशिएट करना है और किस तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करना है। ऐसे नहीं कि से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो मैं एंट्री ले लूँगा, उसके साथ साथ फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स आप सभी जानते हैं इंडिया के एक ऐसे कंपनी है, एक ऐसे पॉपुलर कंपनी है जो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस इंजॉय करते हैं। अभी मोनोपोली बिजनेस किसके ऊपर है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करने का जो मेन मकसद है, कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर लोग निवेश इसीलिए करते हैं क्योंकि उस कंपनी के ऊपर लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उसको लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, तो इसलिए वो म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करते हैं। अगर वो लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड भी शायद उसको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर ही निवेश करते हैं, तो कोई बात नहीं। जो लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके एक चार्जेस स्कैम्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड बाई करेंगे तब कोई चार्जेस नहीं कटेगा, जब आप उस म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो आपका जो सेल्स यहाँ पे बाई टू सेल्स ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो फंड ट्रांसफर का एजेंसी जो है वो कौन है, कैम्स है। तो इसको पैसा देना पड़ेगा, इसको कमीशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आप इस चीज़ों को ध्यान से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम ग्रोथ देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। तो 48% से 39% के आसपास एवरेज पी रेशियो सॉरी आर ओ सी आर ओ देखने को मिलेगा। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, इनकम भी है, कर्जा जीरो है, हाथ में कैश भी है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, सेल्स जो हुआ उससे कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ दोनों में सॉरी सेल्स जो हुआ पिछले बार के तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स भी बढ़ा। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस सेम टू सेम देखने को मिला, और उसके बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 81 करोड़। तो आज तक की जितने सारे प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को कंपनी क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट किए, और इस प्रॉफिट को कंपनी अलग लेवल के में मेंटेन्स भी किया। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर अगर आपको देखना है कि सिचुएशन वाइज कंपनी का सिनेरियो क्या देखने को मिला है, कि हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, हर कैटेगरीज इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों निवेश किया उसके पीछे रीजन देख लीजिए। अगर कैम्स के में 3 मंथ्स की डेटा दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में क्या दिया, 6 मंथ में 28% का रिटर्न, कोई छोटे मोटे रिटर्न नहीं है। 1 साल में क्या दिया, 1 साल में 21% का रिटर्न दिया। 3 साल में क्या दिया, 3 साल में 93% के आसपास रिटर्न। और 5 साल में क्या, 5 साल में कंपनी 5 साल अभी तक नहीं हुआ तो इसीलिए सेम टू सेम रिटर्न दिखा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी अभी तो रिटर्न का जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो बाद में इसी रिटर्न का जर्नी बहुत लंबा दूर तक चलने वाले हैं। तो कैम्प्स के ऊपर फोकस रखना क्योंकि कैम्प्स का जो चार्ट पैटर्न है वो भी कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। तो फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब भी कोई अपर साइड में जाकर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे एंटी नहीं बनना चाहिए, एंटी बनेगा इस नियरेस्ट लेवल में आने के बाद। तो यहाँ तक मुझे लगता है इस लेवल को टच करने के लिए वो एक बार जरूर आएगा, तो जब रिवर्सल करेंगे तब इस लेवल में एंट्री बन सकता है। तो प्लीज़ इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आकर आप ट्रेड लेंगे। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। जो मेरा खुद का ट्रेड है, जो मैं जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ उसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, और कुछ कमेंट्स हैं किसी कंपनीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कुचिन सीफर्ड। इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कंपनी का स्प्लिट का अनाउंसमेंट आने वाला है, तो एक बार देख लेता हूँ स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया है कि नहीं आया, नहीं अभी तक नहीं आया। तो कंपनी का जो 10 का फेस वैल्यू था वो 5 बनने वाला है, इसका मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो इंतजार करना इस मौके का, तो जब मौका आएगा
तो उसके ऊपर फायदा आप उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।